अर्नोल्ड। दूसरी बार रिटेन है 1883 बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ये जो था स्कॉलर जिप्सी, इसको 1853 में लिखा गया था मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। दिस स्कॉलर जिप्सी इज वन ऑफ द मोस्ट एलिजियक एंड फिलोसफिकल पोएम्स रिटन बाय अ ग्रेट पोएट एंड क्रिटिक मैथ्यू अर्नोल्ड। मतलब ये जो स्कॉलर जिप्सी है, ये मोस्ट ऑफ मतलब एलिजियक और फिलोसफिकल पोएम में से एक है। एलिजियक मतलब जो शोक शोक गीत दुखान था कि रिटन बाय अ ग्रेट पोएट, मतलब एक ग्रेट पोएट और क्रिटिक मैथ्यू अर्नोल्ड द्वारा लिखा गया था। हु वर्क एज एन इंस्ट्रक्टर ऑफ स्कूल, जो कि एक स्कूल के इंस्पेक्टर के पद पर भी रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड बिलोंग्स टू विक्टोरियन एज। मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। द चीफ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर पोएम इज अ बुक, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग बाय जोसेफ ग्लैनविल। मतलब ये इस जो पोएम है, इसकी चीफ सोर्स है जहाँ से इंस्पायर होकर इन्होंने लिखी थी, वो एक किताब थी जिसका नाम था द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, जो कि जोसेफ ग्लैनविल के द्वारा लिखा गया था। अर्नोल्ड प्लेस दिस पोएम इन हिज ग्रुप ऑफ एलिजियक पोएम अलॉन्ग विद टाइडिसिस एंड डॉगरबिच। ये मैंने गलत लिख दिया था, इन हिज ग्रुप ऑफ दोबारा लिखा। अर्नोल्ड ने इस पोएम को एलिजियक पोएम के बीच में रखा है। एक टाइडिसिस और डॉगरबिच ये भी एक एलिजी है, तो नीचे साथ में मैथ्यू अर्नोल्ड पोएम्स रिफ्लेक्ट द पिक्चर ऑफ विक्टोरियन एज। मैथ्यू अर्नोल्ड की जो भी पोएम्स हैं वो विक्टोरियन एज की पिक्चर को रिफ्लेक्ट करती हैं, बताती हैं। टू हिम पोएट्री इज नॉट अकॉर्डिंग प्लीजर एंड क्रिएटिविटी। उनके लिए पोएट्री प्लीजर प्राप्त करना मतलब खुशी और ब्यूटी को क्रिएट करना नहीं है। अर्नोल्ड कहते हैं पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोएट्री लाइफ का क्रिटिसिज्म है। हेलो, डू यू अंडरस्टैंड? यस यस। अबाउट द पोएम हैज टोटल 250 लाइंस। मतलब इस पोएम में लगभग 250 लाइंस है पूरी, मतलब टोटल। इट इज डिवाइडेड इनटू 25 स्टैंजा एंड ईच स्टैंजा हैज 10 लाइंस। और इसको 25 स्टैंजा में विभाजित किया गया और इसकी प्रत्येक स्टैंजा 10 लाइन की है। द फर्स्ट 5 लाइन्स ऑफ ईच स्टैंजा बीइंग आइलैंडिक इंटरमीडिएट। और जो शुरुआत की 5 लाइन लिखी गई है वो प्रत्येक स्टैंजा की, वो आइलैंडिक इंटरमीडिएट में लिखी गई है। एंड द 6 लाइन जो छठी लाइन है वो भी व्हिच इज एन आइलैंडिक ट्राइमीटर एज शॉर्टर, और वो भी मतलब ट्राइमीटर में लिखी गई है। 6 लाइन्स राइटिंग ए बी सी बी सी ए फॉर्म ऑफ सिस्टम। मतलब ये जो 6 लाइन्स है इनकी राइमिंग है ए बी सी बी सी ए, और ये एक सेस्टेट बनाती है मतलब 6 लाइन्स की। व्हिच इज फॉलोड बाय अ क्वाट्रेन ऑफ आइलैंडिक पेंटामीटर राइमिंग डी एल ई डी, और आगे की जो लाइन्स है वो क्वाट्रेन बनाती है और आईएमबी सेंटीमीटर में लिखी गई है डीई, इसकी राइमिंग है डीईईडी। द स्कॉलर जिप्सी इज राइटली एस्टिमेटेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जो ये स्कॉलर जिप्सी है ये मतलब क्या मतलब सबसे अच्छी पोएम इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे अच्छी पोएम मानी जाती है। इट इज लॉन्ग नैरेटिव पोएम, ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। सेकेंड पेज ओपन करो। ओके ओपन। द पोएम स्टार्ट विद पोएट हु आज, इसकी स्टोरी मतलब इसकी समरी है। द पोएम स्टार्ट विद पोएट हु आज सिटिंग इन अ मीडो रीडिंग ग्लैनविल्स बुक द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। ये पोएम कवि से शुरू होती है और जो कि एक मीडो में बैठा हुआ है और पढ़ रहा था एक किताब, ग्लैनविल की किताब, जो कि जिसका नाम है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। द पोएट हैज ऑलरेडी रेड द बुक मेनी टाइम्स। जो पोएट है अर्नोल्ड जी, इसको कई बार पढ़ चुके हैं पहले से ही। ही रीड द स्टोरी ऑफ अ पुअर स्टूडेंट, और वो एक पुअर स्टूडेंट की कहानी पढ़ते हैं। वो इज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड ड्यू टू पॉवर्टी, जिसे कि ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया, जिसे ऑक्सफोर्ड छोड़ना पड़ गया गरीबी के कारण। दैट पुअर स्टूडेंट वॉज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, जबकि वो जो पुअर स्टूडेंट था वो पूरी तरह से टैलेंटेड था। ही हैड क्रिएटिव powers and he wanted to continue his power to novel purpose.
उसके पास क्रिएटिव पावर थी और जिस और वो अपने उन्हीं क्रिएटिव पावर पावर का प्रयोग करके वो सोचता था कि नॉवेल मतलब एक श्रेष्ठ काम कामों में उसका प्रयोग करने के लिए सोचता चाहता था, बट ही डिड नॉट गेट दैट स्कोप। लेकिन उसको कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा स्कोप, कुछ भी ऐसा कुछ मिला नहीं, दायरा कोई कुछ भी ऐसा मिला नहीं। सो ही लेफ्ट द ऑक्सफोर्ड, इसलिए उसने ऑक्सफोर्ड को छोड़ दिया, नेवर रिटर्न, और कभी लौट कर नहीं आया। नो फ्रेंड और पैट्रॉन हेल्प, उसके कोई भी फ्रेंड और जैसे बड़े बुजुर्ग संरक्षक, इनमें से किसी ने उसकी मदद नहीं की। एंड इन डिसअपॉइंटमेंट और निराशा में ही लेफ्ट ऑक्सफोर्ड, उसने ऑक्सफोर्ड को छोड़ दिया। डू यू अंडरस्टैंड? यस यस। He left Oxford in a summer morning to have occult and mystical knowledge possessed by the gypsies. उसने ऑक्सफोर्ड को छोड़ दिया, कब छोड़ा? इन अ समर मॉर्निंग, मतलब एक गर्मी की सुबह में, टू हैव ऑक्सफोर्ड रहस्यमय ज्ञान को पाने के लिए जो कि जिप्सीज के द्वारा दिया जाता था। मोस्ट मैन थॉट दैट ही वॉज वेस्टिंग हिज टैलेंट बाई रोमिंग विद जिप्सीज। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते थे कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा है जिप्सियों के साथ घूम के। बट वंस ईयर्स आफ्टर, लेकिन एक बार साल बीत जाने के बाद, काफी साल बाद, इन द कंट्रीसाइड में टू स्कॉलर हु वर द क्लास फेलो ऑफ स्कॉलर जिप्सी, दो स्कॉलर आए जो कि स्कॉलर जिप्सी के क्लास फेलो थे, मुझसे मिले एंड इंक्वायर्ड ऑफ हिज वेज ऑफ लाइफ फ्रॉम हिम। और उससे बट वंस इयर्स आफ्टर, मतलब एक बार साल बीत जाने के बाद, इन द कंट्रीसाइड में टू स्कॉलर्स हु वर द क्लास फेलो ऑफ स्कॉलर जिप्सी, दो स्कॉलर है जो कि स्कॉलर जिप्सी के क्लास फेलो थे, मैट हिम उससे मिले एंड इंक्वायर्ड ऑफ हिज वेज ऑफ लाइफ फ्रॉम हिम। और उससे उसके जीवन के रहन सहन, तौर तरीके और क्या क्या हो रहा है उसके जीवन में, उसके बारे में उससे पूछताछ की। स्कॉलर जिप्सी टोल्ड देम, स्कॉलर जिप्सी ने उनको बताया दैट द जिप्सीज न्यू द ऑकल्ट आर्ट ऑफ गवर्निंग द थॉट्स ऑफ अदर पीपल, कि ये जो जिप्सी है ये जानते हैं कि जो दूसरे लोगों के थॉट्स को कैसे गवर्न करना है, इसी कला जानते हैं गवर्न करने का। हु वुड बी लेड टू थिंक जस्ट एज द जिप्सी जानते, मतलब जो भी वो चाहेंगे उनके माइंड को वो बात कर देते हैं, जो चाहेंगे वही सोचेंगे वो। उनकी अपनी कोई सोच नहीं, मतलब उनको क्या कहते हैं वो, मोहित कर लेना ना, सब कुछ वैसे कुछ उनके माइंड को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं वही। द स्कॉलर जिप्सी टोल्ड देम, स्कॉलर जिप्सी ने उनको बताया दैट ही वाज लर्निंग फ्रॉम जिप्सीज, कि वो जिप्सीज से लर्न कर रहा है, सीख रहा है द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग द थॉट्स ऑफ अदर मैन, दूसरे लोगों से थॉट्स को कंट्रोल करने की कला। एंड व्हेन ही हैड रीच्ड द परफेक्शन, और जब वो मतलब तोड़कर इस यहाँ तक पहुंच जाएगा, मतलब अच्छे से वो सीख लेगा इन आर्ट, इस कला में वो निपुण हो जाएगा, ही वुड पब्लिश इट टू द वर्ल्ड, या पूरे दुनिया को दिखाएगा, पब्लिश करेगा पूरी दुनिया के सामने। हैविंग सेड दिस, ऐसा कहने के बाद द स्कॉलर जिप्सी लेफ्ट देम, स्कॉलर जिप्सी उन लोगों को छोड़ देता है एंड नेवर रिटर्न, और दोबारा वहां लौट के नहीं, इन लोग का लौट के नहीं आता। बट द कॉमन पीपल बिलीव, लेकिन कॉमन पीपल है वो विश्वास करते हैं दैट ही स्टिल स्टेड ऑन द हिल्स एंड हिल्स ऑफ नियर ऑक्सफोर्ड, कि वह अब भी हिल्स में, हिल्स पर और ऑक्सफोर्ड के पास की जो क्षेत्र है वहां पे भी घूम रहा है, भटक रहा है। द पोएट हैज बीन मेकिंग एग्रियस इंक्वायरीज अबाउट द स्कॉलर जिप्सी, बट नो वन कैन गिव डेफिनेट इंफॉर्मेशन। ये जो पोएट है मैथ्यू अर्नॉल्ड, ये इसके बारे में ढेर सारी जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश में लगे रहते हैं, बट इन्हें कोई भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाना, निश्चित इंफॉर्मेशन नहीं दे पाना कि वो है कहाँ। द स्कॉलर हैड बीन सीन क्रॉसिंग द थेम्स, तो कुछ बोलते हैं कि उन्होंने स्कॉलर को थेम्स, एक नदी है, इसको पार करते हुए देखा है। द स्कॉलर हैज बीन गिवन विलेज गर्ल्स बंचेस ऑफ फ्लावर्स, और कुछ कहते हैं कि स्कॉलर ने विलेज गर्ल्स को गुलदस्ते दिए, फूलों के गुलदस्ते दिए हैं, और लेकिन
None of girls ever had talk to the scholar. कभी भी स्कॉलर के बारे में उनमें से कोई भी लड़की बात नहीं करती है. Now poet think अब ये जो कवि है ये सोचते हैं that he must have been dreaming. शायद वो अभी ये अपने आप को बोले कि शायद ये सपना देख रहे हैं because क्योंकि the scholar gypsy left Oxford 200 years ago. क्योंकि जो स्कॉलर जिप्सी है इसने ऑक्सफोर्ड को 200 साल पहले ही छोड़ दिया था. Since his first disappearance, और जब वो पहली बार गायब हुआ था तब से and the appearance of the sad story by Glanville. और तब तक जब वो ग्लैनविल ने जो सैड स्टोरी लिखी थी तब तक he must have died. अब तो ही वो पक्का मर गया होगा. Departed from the earth long since, मतलब इतने टाइम से वो पृथ्वी से जा चुका है. बट द पोएट आर्ग्यूज, लेकिन ये पोएट आर्ग्यूज करता है, मतलब खुद से बताता है, कहता है नो डाउ हैज जस्ट नॉट फेल्ट द लैक ऑफ आवर्स फॉर व्हाट वी आर आउट ऑफ लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन दिस बैक फ्रॉम चेंज टू चेंज द ईयर बीइंग रोल्स दिस दैट रिपीटेड सॉक्स अगेन एंड अगेन. ये लाइन है इनकी, किसी ने की जो खुद से बताते कहते हैं. सब इसका अर्थ इनके लिखा है द स्कॉलर मस्ट बी इम्प्रिजिबल. बोल रहे हैं कि जो स्कॉलर है वो कभी नष्ट नहीं होगा. ही हैज नॉट फेल्ट द लैप्स ऑफ आवर्स, वह समय के मतलब लैप्स को नहीं समझा, नहीं क्या नहीं महसूस किया. व्हेन अफेक्ट द लाइफ ऑफ कॉमन मैन, जो कि कॉमन लोगों के सामान्य लोगों के जीवन को अफेक्ट करते हैं. द पोएट टर्न फ्रॉम द डेथ ऑफ द स्कॉलर टू द थॉट, वह इस थॉट से अपने आप को टर्न कर लेता है कि स्कॉलर के जो मतलब उसकी मृत्यु हो गई होगी. दैट ही इज नॉट, हाँ शुरू कीजिए. द स्कॉलर मस्ट बी इम्प्रिजन्ड, मतलब जो स्कॉलर है ये इनकी खुद की सोच है, ये खुद को सोचते हैं कि जो स्कॉलर ही हमारा नहीं है, नष्ट नहीं है इसका, इसका ये कभी नष्ट नहीं होगा. ही हैज नॉट फेल्ट द लैप्स ऑफ थॉट, इसने समय को भी मतलब भी महसूस नहीं किया है. व्हेन अफेक्ट द पीपल ऑफ कॉमन, क्योंकि कॉमन पीपल के लाइफ को अफेक्ट करता है. द पोएट टर्न फ्रॉम द डेथ ऑफ द स्कॉलर टू थॉट, वह इस थॉट से खुद को टर्न करता है कि स्कॉलर मर गया होगा. दैट ही इज नॉट रियली डेड, इस थॉट पे आ जाता है कि वह अभी मरा नहीं है, वास्तव में वो हमारा नहीं है. बिकॉज द पोएट सेज, क्योंकि जो उसका भी कहता है द स्कॉलर जिप्सी हैज नॉट लिव्ड ऑर्डिनरी, कि जो ये स्कॉलर जिप्सी है ये सामान्य जीवन नहीं जिया है. ही हैड वन एम, वन बिजनेस, वन डिजायर एंड दिस वननेस हैज सेव्ड द स्कॉलर, कि उसके पास जैसे कि उसके जीवन में एक ही एम था. पहले तो स्कॉलर करना चाह रहा था, बट स्कॉलर आगा करना था, बट उसको ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया. तो उसके बाद उसने जिप्सियों के साथ मिलकर जिप्सी स्कॉलर जिप्सी बन गया. तो उसका तो एक ही उद्देश्य था, आपको भी बता रहे हैं कि उसके पास केवल एक उद्देश्य था, एक व्यवसाय था और एक ही इच्छा थी. और जो इसकी एकता है ये एक ही चीज पे अड़ी रहने की क्षमता उसको स्कॉलर को बचा लेगी. द सिंपलिसिटी एंड सिंगलनेस ऑफ द स्कॉलर जिप्सी, इसकी स्कॉलर जिप्सी की सिंपलिसिटी और सिंगलनेस एम लीड्स अस टू बिलीव, हमें इस बात पे विश्वास कराता है दैट ही विल लिव ऑन एंड विल नॉट पेरिश, कि वह अभी भी जीवित होगा एंड विल नॉट, कभी नष्ट नहीं होगा लाइक अस, हमारे जैसे. एंड द सोल ऑफ सच मैन इज इम्पोर्टेंट और इमोर्टल, और इस तरह के जो लोगों की आत्माएं होती है वो इमोर्टल होती है. Yes. Arnold says modern men have no clarity of vision, thought and purpose. Arnold कहते हैं कि modern men के पास कोई भी clarity नहीं होती, ना vision की, ना thought की और ना ही purpose की. The poet criticize, और ये Arnold जो है ये criticize करते हैं that modern men are uncertain, कि modern men जो है ये uncertain है, unpurpose, जिनका कोई purpose नहीं है, unclear, अस्पष्ट नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, मतलब इधर उधर हो जाने वाले, मतलब जिसे फ्लक्चुअल टाइप के, किसी एक उद्देश्य पे अड़िग नहीं रहते, एक बार इधर तो एक बार उधर. एज टू द मीनिंग ऑफ लाइफ, जैसे कि जीवन के इनके मीनिंग का ले ही है, अनसर्टेन, अनपर्पज, अनक्लियर और फ्लक्चुएटिंग.
बट द लाइफ ऑफ स्कॉलर जिप्सी, लेकिन जो स्कॉलर जिप्सी की लाइफ है एज डिपिक्टेड यही पाया गया है इन द इन दिस पोएम। इस पोएम में सिंगुलरली फ्री फ्रॉम इट, इन सब चीजों से वो सिंगुलरली फ्री है। फिजिकल क्लींस ऑफ द एज, मतलब एज के फिजिकल मतलब भौतिक प्रभाव से वो फ्री है। वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट द स्कॉलर जिप्सी इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, कि ये स्कॉलर जिप्सी जो पोएम है ये लाइफ का एक क्रिटिसिज्म है, इन वे जिसमें अर्नॉल्ड कंपेयर द लाइफ ऑफ मॉडर्न पीपल विद द लाइफ ऑफ स्कॉलर जिप्सी। अर्नॉल्ड ने मॉडर्न लोगों के पीपल्स के लाइफ को स्कॉलर जिप्सी की लाइफ के साथ कंपेयर किया है। आई होप